हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कानपुर की 10 सबसे अच्छी जगहों के बारे में जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर है कानपुर मेमोरियल चर्च। यह भारत के सबसे पुराने और सुंदर चर्चों में से एक चर्च है। यह कानपुर में एल्बर्ट लेन पर स्थित है। इस चर्च को ऑल सोल्स कैथेड्रल चर्च के नाम से भी जाना जाता है। यह अपनी वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय भी है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। नंबर 9 पर है नाना राव पार्क। नाना राव पार्क मॉल रोड पर स्थित एक सार्वजनिक उद्यान है। यह पार्क मुख्य रूप से सदाबहार पेड़ों और चमकीले रंग के फूलों के बिस्तर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक स्विमिंग पूल, व्यायामशाला और नर्सरी भी है। यहाँ पर पर्यटक योग, बैडमिंटन, तैराकी और बर्ड वॉचिंग का मज़ा लेने के लिए आते हैं। नंबर 8 पर है जैन ग्लास टेम्पल। यह मंदिर शक्तिशाली भगवान महावीर और 23 जैन तीर्थकरों को समर्पित है। यह मंदिर एक सुंदर बगीचे से जुड़ा हुआ है जहाँ जैन देवताओं की सुंदर मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर विभिन्न हस्तशिल्प मूर्तियाँ और नाजुक कांच के भित्ति चित्र भी हैं। यह मंदिर भक्तों के बीच एक प्रसिद्ध पवित्र स्थल है। नंबर 7 पर है फूलबाग। यह भव्य शहरी पार्क मॉल रोड पर स्थित है। यह पार्क गणेश शंकर विद्यार्थी उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। फूलबाग पार्क कानपुर का सबसे पुराना पार्क है। इस सुंदर पार्क में कानपुर म्यूजियम, एक पुस्तकालय और एक यूनियन क्लब भी है। यहाँ पर B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, गणेश शंकर विद्यार्थी आदि सेनानियों की मूर्ति भी है। नंबर 6 पर है ब्रह्मवर्त घाट। ब्रह्मवर्त घाट कानपुर के बिठूर में स्थित एक पवित्र घाट है। यह घाट हिंदू देवता ब्रह्मा जी को समर्पित है। यहाँ घोड़े का एक नाखून रखा हुआ है जिसे भक्तों के द्वारा काफ़ी महत्व दिया जाता है। धार्मिक स्थान होने के अलावा अब यह एक पिकनिक स्थल के रूप में भी विकसित हो रहा है। नंबर 5 पर है मोती झील। मोती झील कानपुर के बेना जावर क्षेत्र में स्थित है। यह एक जल संग्रहण स्थल होने के साथ साथ एक बेहतरीन दर्शनीय स्थल भी है। यहाँ पर प्रवेश द्वार पर कई स्ट्रीट फूड स्टॉल और खिलौनों की दुकानें भी हैं। मोती झील में पर्यटक बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं। नंबर 4 पर है JK टेम्पल। JK मंदिर को श्री राधा कृष्ण मंदिर भी कहा जाता है। JK मंदिर कानपुर में गोविंद नगर मार्ग पर स्थित है। यह प्राचीन और आधुनिक वास्तुकला का एक सुंदर नमूना है। यह मंदिर भगवान राधा कृष्ण को समर्पित है। JK मंदिर हरी भरी हरियाली और छोटी झीलों से घिरा हुआ है। इस मंदिर में जन्माष्टमी के दिन पर्यटकों की काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। नंबर 3 पर है ग्रीन पार्क स्टेडियम। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर के एक बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेट स्टेडियम है। इस स्टेडियम में एक बार में 32,000 दर्शक बैठ सकते हैं। यह यूपी का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है जहां टेस्ट मैच और दिवसीय मैच आयोजित किए जाते हैं। आप इस स्टेडियम को लाइव मैच में अच्छे से देख सकते हैं। नंबर 2 पर है कानपुर जू। कानपुर जू को एलनमन चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर उद्यान में सुंदर दृश्य, हरे भरी वनस्पति और एक सुंदर झील भी है। यहाँ पर कई जानवर जैसे तेंदुए, काले भालू, जेब्रा, दरियाई घोड़ा आदि पाए जाते हैं। इस जू में पेड़ पौधों की दुर्लभ प्रजातियाँ भी देखने को मिलती हैं। और अब नंबर 1 पर है ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क। ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क कानपुर का एक शानदार बॉर्डर पार्क और मनोरंजक पार्क है। यहाँ पर संगीतमय फव्वारा, लेजर शो और एक रोमांचक 7D शो भी आयोजित किया जाता है। यहाँ पार्क में कई तरह की स्लाइड्स, रोलर कोस्टर और झूले भी हैं। इस पार्क में फेरीलैंड थीम, चीनी थीम, जंगली थीम की सवारी उपलब्ध हैं। परिवार या दोस्तों के साथ मजा लेने के लिए यह एक शानदार जगह है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की टूरिंग प्लेस की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।